देखिए, आज़ादी से पहले भी बांटा था देश को कांग्रेस ने, और उसके बाद में भी जो बांटने का काम कर रहा है धार्मिक आधार पर, ये कांग्रेस कर रही है तुष्टिकरण को लेकर के। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है, और उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को क्यों ऐतराज है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। फूट रहेगी तो निश्चित रूप से हानि होनी है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब कोई किस नज़र से देखता है, नज़रिया सबका अलग अलग है, लेकिन हमारा बहुत क्लियर है, साफ है कि एक रहो, देश की एकता में ही हम सब सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि बटोगे कटेगी, खन्ना जी की पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इस तरह के नारे होने चाहिए जो आगे बढ़ाने की बात करें, सबको एक साथ देने की बात करें। तो नारा लगाओ ना, ठीक नारा लगाओ ना। अब मैं एक बात बताऊं, मुझे अशोक गहलोत जी को कहना है कि राजस्थान के जयपुर में एक वर्ग विशेष का एक मौलवी, जो जिसने अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में ये बात कह दी थी कि हम लोग यदि सड़क पर आ गए तो आपकी रूह कांप जाएगी, ये क्या बात है, कैसे अशोक गहलोत जी ने बर्दाश्त कर दिया, तुरंत उठ के क्यों नहीं चल दिया वहाँ से। और वो सुन रहे हैं तो सहमति जाहिर कर रहे हैं क्या, सड़क पर आ जाएंगे तो रूह कांप जाएगी, ये धमकी दे देना। और ये वो क्यों नहीं बोलते जब कोई कहे कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो हम सलट लेंगे, और उस बयान को भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उस पर उनको ऐतराज़ है, क्या वो एक रहने में उनको दिक्कत है क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं वो। किसी भी राजनेता को इस प्रकार की बात कहना मैं सोचता हूँ कि शोभा नहीं देता। कोई यदि इस प्रकार का नारा दे पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है, हम भी कह रहे हैं ना पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये ठीक है ना, कहो ना, कहाँ दिक्कत है। लेकिन एक रहोगे सेफ रहोगे, ऐसी दिक्कत है इनको, हम तो आपके नारे को स्वीकार कर रहे हैं ना कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ठीक है ना, हमने स्वीकार किया, चलो मान लो, आपने क्यों इस पे एक रहोगे सेफ रहोगे पे ऐतराज किया, ये क्या मानसिकता दर्शाती है, मुझे समझ में नहीं आता। चुनाव के मतदान हो चुके हैं, अब रिजल्ट की बारी है, किस तरह से आप देखते हैं कि अभी भी कई जगह पर अलग अलग तरह के रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, रुझान तो आएंगे, जिस व्यक्ति ने, जिस कोई भी समीक्षक ने जो बूथ देखा, वो उसके हिसाब से अपना विवेचन करता है, निर्णय करता है, सोच लेता है, धारणा बनाता है। जिसने सब कुछ देखा है वो सही बात बताएगा, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, सातों सीटें जीत रहे हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर, रिहाई की मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश में कई जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग सड़कों पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं, रिहाई की मांग कर रहे हैं, इस तरीके से देखते हैं। और कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जवाहर सिंह बेगम के बंगले पहुंचे, डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ सेलेक्टिव पुलिस ऐसी थी जिसने वहां पे जो ये उपद्रव हुआ उसके टारगेट करके काम किया, तो इसको किस तरीके से। मैं एक बात सोचता हूं कि इसमें कानून को कानून का काम करने देना चाहिए, हम लोगों को बीच में पढ़ना नहीं चाहिए। जहाँ न्याय की बात है, न्याय होगा, निर्वाचन आयोग भी देख रहा है उस विषय को, और पुलिस भी तत्परता से समी मतलब पूरी जानकारी छानबीन करेगी, कौन लोग थे क्यों पहुँचे, बाहर के थे अंदर के थे कैसे थे, वो सब चीज़ें सामने आ जाएगी। बिल्कुल न्याय प्रिय काम होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं। न्याय जांच की मांग कर रहे हैं, क्या आप भी इससे सहमत? भाई न्याय तो मैं कह रहा हूँ ना कि पुलिस भी कर रही है, न्याय का काम कर रही है, हम सब यही चाहते हैं कि न्याय मिले, न्याय से कोई परहेज नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि न्याय नहीं मिले। मैं सोचता हूँ सबको भी इस विषय पर एकमुखी होकर के और न्याय दिलाना चाहिए। कमेटी बनाई जाए, जज शामिल हो, वो जांच करे, अभी जांच रिपोर्ट सामने आ जाए, जांच रिपोर्ट आ जाए उससे सामने आ जाएगा, और फिर जो जरूरत पड़ेगी वो निर्णय किया जाएगा। लेकिन पहले एक बार प्राथमिक स्तर पर जो काम कर रही है टीम, उसको अपना काम करने देना चाहिए, बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। सदस्यता अभियान राजस्थान में चल रहा है,
टारगेट अभी तक अचीव नहीं हो पाए, जिन लोगों को जिन पदाधिकारी को टारगेट अभी दिया, कल की मीटिंग में कुछ कहा गया है, क्या जो लोग अचीव नहीं कर पाएंगे टारगेट उन पदाधिकारी के खिलाफ कुछ एक्शन वगैरह होगा या फिर पार्टी को जिम्मेदारी दे रखी है? देखिए ये एक्चुअली है हमारा पारिवारिक मामला, परिवार का मुखिया चाहेगा कि और अच्छा परिणाम प्राप्त करे, कितना ही परिणाम ला करके दे दो तो मुखिया तो चाहेगा कि और अच्छा परिणाम लाए। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि हमने 60 लाख से ऊपर ऑनलाइन और 22 लाख ये ऑफलाइन, ऐसा करके हमने 82 लाख सदस्यता पूरी कर ली है। हमने 1,25,00,000 का लक्ष्य तय किया। अभी कुछ चुनावों में भी लगे रहे, उपचुनाव में पहले हरियाणा वगैरह, ये जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ता लगे रहे, तो जो ये सीमाएं हैं हरियाणा से जुड़ी हुई उस क्षेत्र में थोड़ा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो ऑफलाइन काम करने की अब छूट मिली। कई जगह नेट की प्रॉब्लम रहती है तो जहाँ OTP जनरेट करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, तो इसके कारण से समस्या आती है, तो ऑफलाइन मेंबरशिप का हमने शुरू किया है, हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ये होता है कि कभी परिवार का व्यक्ति वो ये कहता है कि पढ़ाई नहीं की तो तुझे नौकरी पे या कहीं ना कहीं लगा देंगे, तो वैसा ही कि भाई काम नहीं किया तो आराम करना पड़ेगा, ये परिवार में होता ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। आकलन यूं समझो तो हमारे राजनेताओं के तो हर 5 वर्ष में परीक्षाएं होती है, एग्जाम होता ही होता है, तो हमको तो हर बार परीक्षा देना ही देना है, इस हमारे तो राजनीति का ये होता ही होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर, जैसे संगठन की बात करते हैं, इन्होंने संगठन का सवाल किया था, तो मैं बताऊँ हमारे यहाँ एक सतत प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये है कि अभी सदस्यता अभियान से अब हमारा ये 20 तारीख के बाद ये शुरू होगा चुनाव अभियान, जिसमें पहले हम स्थानीय इकाई के चुनाव कराएंगे, यानी बूथ के चुनाव होंगे, बूथ की एक टीम का चयन होगा, बूथ की टीम में से फिर मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर मंडल से जिला प्रतिनिधि तय होते हैं, फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, वोटिंग होता है, और जिले से जितने भी राजस्थान, अब उस जिले में विधायक है, उस उतने ही प्रदेश प्रतिनिधि चयन होता है, वो फिर प्रदेश अध्यक्ष को वोट करते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, और प्रदेश से जितने राज्य मतलब लोकसभा के सदस्य हैं उतने राष्ट्रीय प्रतिनिधि तय होते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट करते हैं। तो ये प्रक्रिया है, इसमें वहाँ से जो चुन के नहीं आया वो जिलाध्यक्ष नहीं रहेगा, चुन के ही आना है उनको, तो अब कोई की परीक्षा होगी कि नहीं होगी तो जनता करने वाली है, नीचे के स्तर से शुरू होगा ये। मैंने सारी प्रक्रिया बता दी आपको, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, उसके बाद टीम का गठन होना है। ये तो आप ज्यादा जानते हो, मुझे तो नहीं पता। नई टीम बनाएंगे उस टीम के साथ में, चुनाव परिणाम की बात करेगी नहीं क्या? सबके कार्यकर्ता से जो और सबकी और भी कार्यकर्ता चाहते हैं वो टीम में जगह मिले। देखिए ये होता ही है, लेकिन ये जरूर मैं बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा, प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता भी मिलेगा, किसी को आराम नहीं करने दिया जाएगा।